अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हूँ ऑटोकैड की नई लेक्चर के साथ। 3D डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग कंटिन्यू है और आज हम एक नया लेक्चर सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेसन नंबर 77। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट 3D ड्राइंग। 3D ड्राइंग के बारे में हम इसी लेसन में डिस्कशन करेंगे। 3D डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग की चैप्टर अभी खुली हुई है और अपनी तरफ लेके जा रहे हैं फॉरवर्ड। मेक 3D होम यूजिंग पॉलीलाइन कमांड। पिछली दफ़ा हमने बाउंड्री यूज़ की थी और आज हम पॉलीलाइन की मदद से एक 3D होम डिज़ाइन करेंगे। मेक वॉल्स एंड डोर्स इन 3D ड्राइंग्स। 3D ड्राइंग में हम डोर्स और वॉल किस तरह बनाएंगे। हाउ टू मेक विंडोज़ ऑन 3D होम। और 3D होम में हम विंडोज़ किस तरह बनाएंगे। तो दो मेथड्स थे, मैंने आपको बताए थे 3D के लिए। एक बाउंड्री का मेथड था और दूसरा पॉलीलाइन का। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड की तरफ जाता हूँ। ऑटोकैड की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और इस चैनल का मेम्बर बनिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं आपको टाइम पर ही नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक से हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और इसको दोस्तों और रिलेटिव ये सेवल रिलेटेड उसके साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं कैड की तरफ। अच्छा, ये हमने बनाया था स्टूडेंट्स उस पर बाउंड्री पे। अब मैं इससे एक और सी ओ लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको उस पर बनाता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट 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 डिलीट, इसको भी डिलीट करें, इसको भी, इसको भी, इन इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ डिलीट 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 डिलीट, ओके, इसको भी डिलीट करें, इसको भी, डोर्स को भी डिलीट करें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, कंट्रोल जेड और डोर को। अच्छा, अब मैं इसका एक कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये मुझे डिफरेंस दे दे। तो पॉलीलाइन के लिए हमने कमांड पढ़ा था पी एल एंटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल राइट, यहाँ से यहाँ तक। मैं डोर इसमें नहीं इंक्लूड करता तो सिर्फ वॉल्स पे और विंडोज पे जाता हूँ। ठीक है, डोर्स को फिर नेक्स्ट हम उसको भी शामिल कर लेंगे। ये बन गया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ 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 और यहाँ और इस। अच्छा, दोबारा अगर आप प्रेस एंटर करें तो आपकी कमांड दोबारा अपनी जगह आ जाती है। ठीक है, यहाँ 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 से यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल राइट, और एस्केप। तो ये भी बन गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, ई यहाँ पे इसको भी कर देते हैं, ई एक्स टी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेलेक्ट, और राइट क्लिक और 11 फीट एंटर करें। तो देखें इसमें विंडोज भी आपका एक्सट्रूड हो चुके हैं। लेकिन अब विंडो किस तरह फाइंड करनी है, तो इसके लिए कमांड है। आपने, अगर आपके पास ये व्यू ना हो विजुअल स्टाइल, तो आप कहीं भी राइट क्लिक करें, विजुअल स्टाइल ले लें। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक करें, 2D वायर फ्रेम में जाएं, REC एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और सॉरी रेक्टेंगल ड्रा करें, और इसको EXT एंटर करें, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और कितना है 5 फीट एंटर करें। अच्छा, मूव करें M एंटर, यहाँ से एट द रेट 0.0, और वही एक्सेल पे कितना 2.5 फीट का हमने बाउंड्री वाले में भी
यूज़ किया था। अब आप इसको SHADE एंटर करें तो देखें ये हुई है, और आप इसी तरह SU सबट्रैक्ट करें भी, SU एंटर करें, सेलेक्ट द कैपिटल ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक और सेलेक्ट द विंडो। मैं जो ही राइट क्लिक करूँगा तो हमारी विंडो बन जाएगी, ये देखें, ठीक है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट RPC एंटर, ये वाला, ये वाला, ये वाला EXT एंटर, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, राइट क्लिक और यहाँ से उठा के EXT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 5 फीट, ठीक है। अब मूव करें इसको, किसी पॉइंट से इसको सेलेक्ट करें, एट द रेट 0.0.2.5 फीट, एंटर, SHADE सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसको सेलेक्ट करें, इसको और इसको, और ये ले लें। तो ये बन गई आपकी विंडोज, कंट्रोल एस करें, ये देखें ये विंडोज बन चुके हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने डॉट्स करने हैं, तो पिछले वाले में ये इशू बन गया था कि फ्रंट वाले डोर्स बड़े हैं और बैक साइड वाले छोटे हैं, तो इसमें ये इशू नहीं आएगा। EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यानी एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 0 और जेड एक्सिस पे वर्टिकल पे कितना, 7 फीट, SHADE एंटर। अब देखें आपके डोर्स भी बन चुके हैं, ठीक है, आपको नज़र आएगा। मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ और आपको ऑर्बिट से दिखाता हूँ, शिफ्ट और माउस का रोलर, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट डोर वगैरह आ चुके हैं। तो ये था बाउंड्री पॉलीलाइन और ये था बाउंड्री, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसमें एक थोड़ी सरफेसिंग ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है और सब लाइन एक ही, देखे ये जॉइंट है, और इसको देखे तो ये अलग अलग है, देखे ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो यही इसमें इशू होती है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो हमने पढ़ लिए, उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। इस पर बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपको याद होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही ज़्यादा आप लर्निंग करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपने दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।